ये तो बोल रहे हैं कि ये सरकार किसान नीति सी है ही नहीं। 1762 का था। अच्छा जी, चढ़ा का 1800 का बा था। अच्छा, था चढ़ा बा है 1656 बा है। अच्छा जी, तिगड़े बा करे के। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम कलानौर हल्के के गांव निगाणा के अंदर पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हो गांव के जो है बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि अब की बार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप सभी को पता है 2024 के जो चुनाव है बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है जी ताऊ जी? हमारा देशराज। देशराज जी, किसकी सरकार देखना चाहते हो जी? अबकेरी बताओ भाई, किसकी बताओ सरकार? मोदी की बताओ, किसकी बताओ? आप सरकार तो मोदी की है। और मोदी की आएगी? हाँ। क्या कारण है? कारण है कुछ तो। मोदी ने बहुत कुछ किया है। एक दो काम भी गिनवा दो। सारे काम सबके सामने हैं। 370 के अयोध्या मंदिर के बहुत घने काम किए उसने। अच्छा जी, 2 लीटर से लोग तो बोलते हैं कि सब कुछ बेच दिया इसने। ना, कुछ नहीं बेचा इसने, कुछ नहीं बेचा। लोग तो ऐसे ही कहते हैं, बोल रहे कि पूरा देश ही बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हाँ, देश बेच दिया तो फिर वो हो जाए, गवाशानी हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ। गांव के अंदर कुछ विकास हुआ है? निगाणा गांव के विकास तो जो हो रहे हैं वो होने लग रहे हैं, अभी चालू है काम तो। अच्छा, काम चल रहा है। कुल मिला के काम जो है हो रहे हैं? हो रहे हैं। अच्छा जी, नौकरियां वगैरह कुछ लगी है गांव के अंदर? हाँ, बहुत लगी है। बहुत लगी है, बहुत। अच्छा, एक और लोग बोलते हैं कि उड्डा सरकार में जो है नौकरियां जो है नहीं लगती थी, और लगती भी थी तो पर्ची खर्ची से लगती थी। अब के जो नौकरियां लगी है कुछ ईमानदारी से लगी? कैसे लगी? ईमानदारी से। ईमानदारी से लगी है, गांव के अंदर लगे हैं लोग हैं, और उड्डा सरकार के अंदर नहीं लगते थे? नोटों से लगते थे। और क्या, एक दो के दिए भी है? है जी, दिए गए एक दो के ना, हमने तो कोई लगवाया को नहीं। अच्छा जी, ये बात कहां से निकल के आएगी? नोट देने पड़ते थे, ये सब बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं। अच्छा जी, पहुंच रही है बात तो। अच्छा, मोदी साहब पहुंच रही है तो। अच्छा जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? राजकुमार। राजकुमार जी, किसको राजकुमार बनाओगे अब की बारी? मोदी ने बनावांगे। मोदी को ही? हाँ। क्या कारण है? कर देश रो पठा दिया है, फसला इतने बाबड़ आ दिए। अच्छा जी, बालक फ्री लागण लाग रहे। अच्छा जी, अपने नंबर अलग। ये तो बोल रहे हैं कि ये सरकार किसान नीति सी है ही नहीं। 1762 का था। अच्छा जी, चढ़ा का 1800 का बा था। अच्छा, था चढ़ा बा है 1656 बा है। अच्छा जी, तिगड़े बा करे के। तो इसका मतलब सही, सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। तो जो ये शोर मचा रखा है कि किसान नीति सी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती, क्या वैसे मचा रहे हैं? बाद ठकमा सब कहेगा। अच्छा जी, ये नहीं करते, ये किसान आवारा गर्दी नहीं करते। अच्छा जी, ये ऊपर वाले बंदे करते हैं। अच्छा जी, एक्स्ट्रा है। अच्छा, जगह जगह भाजपा का जो गांव वोट मांगने जा रहे हैं उनका विरोध भी हो रहा है? विरोध तो ऊपर की तरफ है और कहीं नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं फिर वो लोग कौन है विरोध करने वाले? ओपोजिट पार्टी वाली है और मिले जुले सारे। अच्छा जी, मिले जुले है विरोध करने वाले। अच्छा जी, कांग्रेस की सरकार की बात करें और भाजपा की सरकार में क्या फर्क है दोनों में? इतना पसंद जो है मोदी की सरकार को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? पसंद है, बाल टेस्ट पाड़ो नौकरी फ्री मिलता है। अच्छा जी, उस राज्य में बाल का नौकरी मिल रही है नहीं। अच्छा जी। हाँ। तो इसका मतलब जो लोग ये चिल्लाते हैं कि ईमानदारी से नौकरियां नहीं लगती थी, क्या सही थी वो बात? हाँ, सही थी। बुला के बुला के ना बदल ला रहे छपर से पीछे। अच्छा जी, हरी फरी लागे काम घड़े लागे हर जात के लागे। हर जात के लगे, मतलब जात पात नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे, ईमानदारी से नौकरियां मिल रही है। हाँ, ईमानदारी से। तो अब की बार फिर मोदी को ही? मोदी को। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? बलबीर। बलबीर जी, किसकी सरकार देखना चाहते? मोदी। मोदी, पक्की बात है? पक्की। क्या कारण है इसके पीछे? कारण बस यो भ्रष्टाचार का लठ देह भाई, यो कारण है भ्रष्टाचार का। ये तो बोल रहे की जो ईडी के छापे मरवा मरवा के जो है अपने छापे तो बढ़िया काम करे, चोरा ने तो पकड़ा है, क्यों गया? कांग्रेस वाले बोलते हैं अपनी सरकार में जो भ्रष्ट है उनको भी नहीं पकड़ते। तो वो चोर तो बोल रहेंगे, चोर तो बोल रहेंगे। नहीं, वो बोलते हैं भ्रष्टाचारी तो इनकी सरकार में भी है। किन की में? भाजपा सरकार में, उनको भी नहीं पकड़ते। ये न्यू तो ये हिंदुस्तान है, न्यू तो पाए जाएगा का। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, ये तो ये कांग्रेस वाले यूं भी बोलते हैं जो बीजेपी में चला जाता है वही सही हो जाता है, क्या कारण है इसका? वो कारण मेरा होगा, मैंने मेरा, आपको नहीं पता। अच्छा, गांव के अंदर कुछ काम हुए? सारे काम होने लग रहे हैं, गम सारे काम बढ़िया होने लग रहे हैं, सारे काम बढ़िया है। हाँ। तो मोदी को ही? हाँ, मोदी 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 है भाई। अच्छा जी। हाँ। नमस्कार जी। बस भाई, अपना इतना बोलना आता नहीं, जितना आता उतना खुश होना आंदा।
अच्छा किसकी वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं तो बता दो। सरकार किससे गया हुआ है? बढ़िया अपन। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ भाई अजीत नाम है। अजीत जी सरकार बनाने तो अमेजोन से सही दिखी हुआ है, बना दिए मोदी सही काम करे सर बनावांगे। अच्छा सही काम चल रहा है। अभी मैं सुन रहा था जब कैमरा ऑन नहीं किया था बोल रहे कांग्रेस के बैठे हैं। कौन का था? दो वोट बताई थी ना उन्होंने, मत ही बाज बुझ गए। क्या कारण क्यों भागे? क्यों भागे क्या कारण है? भागना खर बाल चारा मार तत के बाद दे सरकारों से भाग रहे हैं। हाँ। तो मोदी जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा अब की बार जो इन्होंने नारा दिया है कि अब की बार जो है 400 पार लगता है कर पाएंगे भाई, सरकार तो पक्की वो तो गणित इतना रख देने सरकार तो 100% है मोदी की। ऐसा तो नहीं पिछली बार जो खट्टर ने नारा दिया था अब की अरे 75 बार और 140 सरकार खट्टर तो आई तो सरकार खट्टर की है। अच्छा जी। हाँ। तो कैसे खट्टर की सरकार में कैसे काम काज हुए? बढ़िया हो रहे हैं, ठीक हुए थे। अभी वो अंकल जी बता रहे थे कि ईमानदारी से नौकरियां लगी है या वैसे ही झूठ बोल? ईमानदारी से लगी है। उड्डा सरकार में कैसे लगती थी? उड्डा सरकार में तो बता ही दिया है कोई भी नौकरी एक चपड़ासी की भी 5 तक घटना थी। अच्छा रेट फिक्स कर रखे थे। हाँ और है? हाँ। भाई साहब बताएंगे सही। हाँ जी क्या नाम है जी? जय सिंह लखेरा। लखेरा जी देख लो सीधा सीधा यूं बोल रहे कि पैसे लेके नौकरी? पैसे कोई नहीं लिए भाई। अच्छा। बिना पैसे लगे हैं? बिना पैसे नौकरियां लगती थी कांग्रेस? हाँ गरीब है बच्चे हैं पैसे नहीं लिए कांग्रेस सरकार में? हाँ कांग्रेस सरकार में। अच्छा गरीबों के पैसे नहीं लिए अमीरों के लेते थे? ना अमीरों के पता नहीं भाई अमीरों के लिए नहीं लिए गरीब है तो लिए नहीं गरीब पैसा था ही नहीं देंगे कहां से। तो फिर ये बात हुई ना गरीबों के पास था ही नहीं तो देंगे कहां से। अच्छा अब की बार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब की बार हम तो कांग्रेस की देखना चाहते हैं। क्या खास बात है? चलो कांग्रेस गरीबों के हक में बढ़िया है ये मोदी सरकार नहीं है ना। अभी तो ये भाई साहब बोल रहे थे किसानों के लिए जो फसल के रेट बढ़ा दिए सब नौकरियां ईमानदारी किसान सब नाराज हो रहे हैं भाई है? कोई किसान राजी नहीं। अच्छा जी 10% राजी होंगे 90% खिलाफ नाराज है। हाँ। अच्छा जो ये आंदोलन किया था 13 महीने तक जो बोल धरने पे किसान बैठे थे भाजपा वाले तो बोलते कि वो किसान ही नहीं थे क्या कारण? सारे किसान थे भाई किसान थे 90%। अब आपके सामने मना कर रहे नहीं थे क्या जी? किसानों ने इतनी फुर्सत कहाँ है जो धरने पर बैठ जाएंगे? हाँ मारो सारे किसान बैठे हैं ये सारे सारे जमींदार हैं। क्या चक्कर जी आप किसान नहीं हो? ना हम तो किसान नहीं है भाई किसान किसान ही नहीं हो है किसान ना किसान आपसे ही बोल रहे हैं किसान तो भाई सारे बोल रहे हैं कि भाई किसान आपको ठीक नहीं है ये सारे बैठे जो बोल रहे हैं हम किसान है ये किसान नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं भाई जो सरदार हैं जो जाट हैं किसान हैं जो ये खिलाफत में खिलाफत में सरदार खिलाफत में सारे। अच्छा सरदार और जाट खिलाफत में किसान नहीं किसान किसान में ये ज्यादा आगे 90% ये है किसान। अच्छा जी और किसान कौन है? अच्छा जी जाट किसान दादा हैं गांव में जाओ आप। अच्छा जी सारे नहीं मैं गांव में ही आया हूँ निगाड़ा गाँव यहाँ तो जी दीपेंद्र जीतेगा। दीपेंद्र बता दो एक बार अंतिम ये बोल रहे दीपेंद्र जीतेगा? दीपेंद्र पहले कभी जीत गया था। अच्छा पिछली बार भी जीत गया नहीं कहा था अब की बार फिर जीता होगा फिर जीता है पक्का मन मना और है और निगाड़ा गांव के अंदर पूछे थे लोगों से जो है यहाँ के चुनावों की राय जानने की कोशिश की अगर अब की बार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दे आप जो है अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं।